आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 बी हाइव बुक से चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स आर अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। इन प्रश्नों का हल कुछ शब्दों में या कुछ वाक्यों में करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर मॉर्गी एंड टॉमी। ये मॉर्गी और टॉमी कितने उम्र के थे? तो आंसर लिखेंगे कि मॉर्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। जो मॉर्जी है वो 11 साल की थी और टॉमी जो है वो 13 साल का था। अब इसमें क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड मॉर्जी राइट इन हर डायरी। कि मॉर्जी ने अपने डायरी में क्या लिखा था? तो इसका आंसर लिखेंगे कि मॉर्जी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इमोर्जी ने अपने डायरी में लिखा था कि आज जो है ना 17 मई 2157 है और टामी को एक रियल बुक या वास्तविक किताब मिला है। क्वेश्चन 3 हैड मॉर्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मॉर्जी ने एक किताब को पहले कभी देखा था? आंसर लिखेंगे नो, मॉर्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। कि मॉर्जी ने कभी भी एक वास्तविक किताब को देखा नहीं था। क्वेश्चन 4 है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। कि किताब को लेकर किन चीजों को उसने स्ट्रेंज या आश्चर्यजनक पाया? इसका आंसर लिखेंगे सी फाउंड इट्स येलो एंड रिंकल्ड पेजेज स्ट्रेंज। उसने पाया कि इसकी जो पीली और मुड़ी तुड़ी पेजेज हैं वो आश्चर्यजनक हैं। सी ऑल्सो फाउंड वर्ड्स स्ट्रेंज बिकॉज दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। और उसको जो है ना उस किताब के शब्द भी काफ़ी आश्चर्य में लगे क्योंकि वो स्थिर थे, चल नहीं रहे थे, क्योंकि उसका आदत था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हुए किताबों को पढ़ने का। क्वेश्चन 5th है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आप क्या सोचते हैं कि एक टेली बुक क्या है? इसका आंसर है अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। कि टेलीबुक जो होता है वो टेलीविजन की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, एक रियल बुक की तरह नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीबुक। क्वेश्चन 6 है वेयर वाज मार्जी स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। कि मार्जी का स्कूल कहाँ पे था, क्या उसके कोई सहपाठी या क्लासमेट से भी साथ में थे? आंसर है मार्जी स्कूल वाज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मॉर्जी का स्कूल जो था उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। नो सी डिडंट हैव क्लासमेट्स। और उसके कोई भी क्लासमेट्स या दोस्त या सहपाठी नहीं थे। क्वेश्चन 7 है व्हाट सब्जेक्ट डिड मॉर्जी एंड टॉमी लर्न। कि कौन कौन से विषय मॉर्जी और टॉमी सीखते थे? आंसर है मॉर्जी लर्न्ड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न्ड हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मॉर्जी जो है वो ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स सीखती थी और टॉमी जो है वो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स सीखता था। क्वेश्चन 2nd है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। कि नीचे दिए गए का आंसर देना है हम लोगों को स्टोरी के रेफरेंस के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन है आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसको नहीं फेंकूंगी। पहला क्वेश्चन है इसमें हु सेस दीज वर्ड्स। इन शब्दों को किसने कहा? आंसर है मॉर्जी सेस दीज वर्ड्स। कि मॉर्जी ने इन शब्दों को कहा है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट रिफर टू। यहाँ पे इट का मतलब क्या है? आंसर है इट रिफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। कि यहाँ पे इट का मतलब है उस वास्तविक किताब से, रियल बुक से, जो टॉमी को मिला था। 3rd है व्हाट इज इट बींग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। कि जो स्पीकर है या बोलने वाली है उसने इट का कंपेयर यहाँ पे किसके साथ किया है? आंसर है द स्पीकर कंपेयर्ड इट विद द टेली बुक। स्पीकर ने इसका कंपेरिजन जो है वो टेलीबुक के साथ में किया है। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर इट वाज अ मैन। निश्चित तौर पे उनके पास एक शिक्षक था लेकिन वो रेगुलर टीचर हमारी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं था बल्कि एक वास्तविक ह्यूमन बींग आदमी था। इसमें क्वेश्चन 1st है हु डज दे रिफर टू। कि किसको लेके वो दे का यूज यहाँ पे कर रहे हैं?
जिसका आंसर होगा कि दे रिफर टू द स्टूडेंट्स ऑफ टॉमीज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर टाइम्स। यहाँ पे दे का प्रयोग वो उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो टॉमी के ग्रैंडफादर के टाइम में थे। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है। इसका आंसर है कि रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर हियर। यहाँ पे रेगुलर का मतलब है वो टीचर जो टॉमी और मार्जी को पढ़ाता था, मैकेनिकल टीचर से है। अब इसमें क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो किसके साथ में है, मतलब किसका, मैकेनिकल टीचर का ना। तो इसका आंसर होगा इट इज कॉन्ट्रास्टेड विथ ह्यूमन टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स। तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है या तुलना है वो किसके साथ में है, ह्यूमन टीचर के साथ में है जो पहले के समय में हुआ करते थे। क्वेश्चन थर्ड है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस का जो आंसर है हमको 30 वर्ड्स के लिमिट में देना है। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मॉर्जी एंड टॉमी हैव, मॉर्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर हैं। इसका आंसर है मॉर्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, कि मॉर्जी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे। दे वेयर कंप्यूटर्स व्हिच हैड प्रीलोडेड लेसन्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स लेवल, ये एक प्रकार के कंप्यूटर होते थे जिसमें कंप्यूटर की तरह ही सारे जो सब्जेक्ट्स के लेसन्स हैं वो प्रीलोडेड होते थे और अकॉर्डिंग टू लर्नर्स के लेवल के होते थे। दे वेयर टॉट बाई दीज कंप्यूटर्स, और मॉर्जी और टॉमी इन्हीं कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाए जाते थे। अब इसमें क्वेश्चन सेकेंड है व्हाई डिड मॉर्जीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, कि मॉर्जी की माता जी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलावा भेजा था। तो इसका आंसर है मॉर्जीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज ऑफ द बेड परफॉर्मेंस ऑफ मॉर्जी इन द ज्योग्राफी टेस्ट इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड टेस्ट गिवन बाई द मैकेनिकल टीचर, कि मॉर्जी के माता जी ने काउंटी इंस्पेक्टर के लिए इसलिए बुलावा भेजा था क्योंकि मॉर्जी जो है ना वो ज्योग्राफी में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी, बार बार टेस्ट लेने के बाद भी वो उसमें बहुत कम स्कोर कर रही थी और ये सारे टेस्ट जो है ना उसके मैकेनिकल टीचर उससे ले रहे थे। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डिड ही डू, उसने फिर क्या किया। आंसर है ही स्लोड डाउन मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, उसने मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो कर दिया। क्योंकि मॉर्जी 11 साल की थी तो उसने एवरेज 10 ईयर के बच्चे के लेवल में उसको ले आया। बिकॉज ही थॉट इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर मॉर्जी, क्योंकि उसको लगा कि मॉर्जी के सीखने के हिसाब से थोड़ा फास्ट है। क्वेश्चन फोर है वाई वॉज मॉर्जी डूइंग बेडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, कि मॉर्जी जो है ज्योग्राफी में जो परफॉर्मेंस है वो खराब क्यों कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको हेल्प करने के लिए क्या किया था। तो इसका आंसर है मॉर्जी हैड बीन डूइंग बेडली बिकॉज मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन टू क्विक फॉर हर मेंटल लेवल, कि मॉर्जी जो है बहुत ही बेडली परफॉर्मेंस कर रही थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट हो गया था उसके मेंटल लेवल के हिसाब से। तो उसने क्या किया, ही स्लोड डाउन द लेवल ऑफ द ज्योग्राफी सेक्टर टू सूट मॉर्जी, उसने ज्योग्राफी सेक्टर के लेवल को स्लो कर दिया ताकि मॉर्जी के जो मेंटल लेवल है उसको वो सूट कर सके। क्वेश्चन फाइव है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, कि एक बार टॉमी के टीचर के साथ में क्या हुआ था। आंसर है वंस टॉमीज टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट एज द इंटायर सेक्शन ऑफ हिस्ट्री हैज बीन डिलीटेड, एक बार टॉमी के जो टीचर थे उसमें एक डेवलप हो गया फॉल्ट जिससे क्या हुआ कि जो हिस्ट्री का पूरा सेक्शन था वो डिलीट हो गया, खत्म हो गया। ही टीचर हैड बीन टेकन फॉर रिपेयर्स एंड इट टुक देम अ मंथ टू सेट इट राइट, और उसके जो टीचर थे उसको रिपेयर के लिए ले जाया गया और इसको रिपेयर करने में और सेट करने में पूरा का पूरा उनको 1 महीने लगा। क्वेश्चन सिक्स है डिड मॉर्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्या मॉर्जी जो है वो रेगुलर डेज और आवर्स स्कूल के लिए रखती थी, अगर ऐसा है तो क्यों। तो आंसर है कि मॉर्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे, कि मॉर्जी का जो स्कूल का दिन हुआ करता था वो रेगुलर दिन और रेगुलर घंटे हुआ करता था हर दिन, केवल शनिवार और रविवार को छोड़ के
Her mother had told Margie that she would learn better if she studied at the same time every day. क्योंकि उसकी माता जी ने उनको बोला था मार्जी को कि वो बहुत अच्छे से सीखेगी अगर वो हर दिन एक ही समय में पढ़ती है. क्वेश्चन 7 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि टॉमी ने जो पुराने प्रकार के स्कूल थे उसको कैसे डिस्क्राइब किया है. आंसर है, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर. कि टॉमी बोलता है कि जो पुराने समय के स्कूल थे उनमें एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे. दे हैड अ ह्यूमन टीचर, उनके पास एक मानव शिक्षक था. दे ऑल स्टडीड टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग, और वो साथ पढ़ते थे और सेम चीज को सीखा करते थे. क्वेश्चन 8 है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, कि उसने जो पुराने समय के टीचर्स थे उसको कैसे डिस्क्राइब किया है. आंसर है, ही डिस्क्राइब दैट द ओल्ड टीचर्स वेयर ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन्स. उसने डिस्क्राइब किया है कि जो पुराने शिक्षक हैं वो मानव हैं मशीन नहीं हैं. दे टॉट द चिल्ड्रन इन अ स्पेशल बिल्डिंग, और एक खास बिल्डिंग में वो बच्चों को पढ़ाते थे. दे आस्क्ड क्वेश्चंस एंड गेव देम होमवर्क, उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे. क्वेश्चन 4 है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स 100 to 150 words, कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर हमको 2 or 3 पैराग्राफ में देना है जो वर्ड लिमिट है 100 to 150 words का है. क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, कि जो मेन फीचर्स हैं मैकेनिकल टीचर्स के और स्कूल रूम्स के जो मार्जी और टॉमी इस स्टोरी में रखते हैं वो कौन कौन से हैं, इसका आंसर हमको देना है. इसका आंसर में लिखेंगे कि मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, कि मार्जी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे. दीज टीचर्स वेयर बेसिकली लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन व्हिच द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड. ये जो टीचर्स हैं वो बेसिकली एक बड़े काले स्क्रीन हुआ करते थे जिसमें लेसन्स दिखा करते थे और सारे के सारे प्रश्न पूछा जाता था. दीज टीचर्स वेयर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द एज एंड पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न, और ये टीचर जो है ना एडजस्ट किए जाते थे जो एज है स्टूडेंट का उसके हिसाब से और जो स्टूडेंट में पोटेंशियल है उसके हिसाब से. दे हैड अ स्लॉट इन व्हिच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और इस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट हुआ करता था जहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको अपना होमवर्क डालना होता था और साथ ही साथ टेस्ट पेपर्स को भी डालना होता था. द मैकेनिकल टीचर इमिडिएटली कैलकुलेटेड द मार्क्स फॉर द आंसर्स रिटन इन पंच कोड्स बाय द स्टूडेंट्स, तब वो मैकेनिकल टीचर जो है तुरंत मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था और जो आंसर होते थे वो लिखे जाते थे स्टूडेंट के द्वारा पंच कोड के माध्यम से. हाउएवर दीज टीचर्स वेयर प्रोन टू टेक्निकल एंड मैकेनिकल फेलर एंड ट्रबल्स, लेकिन ये जो शिक्षक थे इनमें टेक्निकल और मैकेनिकल फेलर और परेशानियाँ आती रहती थी. अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे कि देयर स्कूल्स वेयर इन देयर होम्स इटसेल्फ, उनके जो स्कूल थे उनके घर में ही थे. इनफैक्ट मार्जी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वास्तव में मार्जी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के बगल में था. स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव क्लासमेट्स, स्टूडेंट्स के सहपाठी या क्लासमेट्स नहीं हुआ करते थे. दे हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, और उनके जो स्कूल के लिए दिन रेगुलर हुआ करते थे और घंटे भी रेगुलर हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो सेम टाइम में टर्न ऑन हुआ करते थे चालू हुआ करते थे शनिवार को और रविवार को छोड़ के. क्वेश्चन 2 है, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, मार्जी को स्कूल से घृणा क्यों था. व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुराने जमाने के स्कूल थे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. तो इसका आंसर लिखेंगे कि मार्जी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी वॉज टॉट बाई अ मैकेनिकल टीचर, कि मार्जी को अपने स्कूल से घृणा था क्योंकि उसको एक मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था. इट हैड बीन फिक्स्ड इन एन स्कूल रूम दैट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो मैकेनिकल टीचर है वो फिक्स्ड था एक स्कूल रूम पे और जो स्कूल रूम है उसके बेडरूम के बगल में था. शी वॉज सपोज टू सीट इन दैट रूम अलोन टू कम्प्लीट हर होमवर्क और असाइनमेंट्स, उससे ये भरोसा किया जाता था कि उस रूम में वो अकेली बैठेगी
और साथ ही साथ वो अपने होमवर्क और असाइनमेंट्स को अकेले ही पूरा करेगी। द पार्ट मॉर्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और जिस चीज़ से मॉर्जी को सबसे ज़्यादा नफरत था वो था मैकेनिकल टीचर का स्लॉट, जहाँ पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना होता था। सी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट सी हैड टू राइट हर आंसर्स इन अ पंच कोड। और उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो सारे के सारे जो आंसर्स हैं उनको पंच कोड में लिखे। सी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज सी इमेजिन्ड ऑल द किड्स फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। अब वो सोचती है कि जो पुराने ज़माने के स्कूल थे उसमें निश्चित तौर पे फन था, क्योंकि वो कल्पना करती है कि सारे बच्चे जो कि आसपास पड़ोस के थे वो साथ में आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, कहाँ पे स्कूल यार्ड में। सी फाउंड इट अमेजिंग दैट ऑल द चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर द सेम थिंग एंड हेल्प ईच अदर विद द होमवर्क। और इस चीज़ को सोच के वो आश्चर्य में आ जाती है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं साथ में पढ़ते थे, एक ही चीज़ को पढ़ते थे और होमवर्क में एक दूसरे का हेल्प करते थे। ऑल्सो द टीचर्स वेयर पीपल, साथी में जो शिक्षक थे वो पीपल थे, लोग थे। द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट मेड हर फील दैट द स्कूल ऑफ द पास्ट वेयर फन। और जो मानवीय रूप था पुराने ज़माने के एजुकेशन का, उसने उसको ये एहसास कराया कि जो पुराने ज़माने के स्कूल थे उसमें निश्चित तौर पर आनंद था, मज़ा था। क्वेश्चन थर्ड है, डू यू एग्री विथ मॉर्जी दैट स्कूल्स टूडे आर मोर फन दैट द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि जो आज के स्कूल हैं उनमें ज़्यादा फन है? इस स्टोरी में दिए गए स्कूल के कंपेरिजन में आप अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, यस आई एग्री विथ मॉर्जी दैट स्कूल्स टूडे आर मोर फन दैट द स्कूल इन द स्टोरी, कि मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ मॉर्जी के साथ में कि जो आज के स्कूल हैं उनमें ज़्यादा फन है, और जिस स्कूल की बात इस स्टोरी में की गई है उसके कंपेरिजन में, द स्कूल इन दिस स्टोरी हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विथ नो इमोशंस एंड सेंटीमेंट्स। इसमें जिस स्कूल की बात की गई है उसमें कुछ नहीं है, केवल एक मैकेनिकल टीचर है जिनमें कोई भावना और सेंटीमेंट्स नहीं है। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट। और चूंकि वो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, इसीलिए एक बच्चे के साइकोलॉजी को समझने की योग्यता जो है उसमें नहीं है। बट इन टूडेज स्कूल्स टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स हु इम्पार्ट एजुकेशन एंड वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन आज के स्कूल में जो टीचर होते हैं वो ह्यूमन बींग होते हैं और वो एजुकेशन देते हैं और साथ ही साथ एक बच्चे के बारे में सोचते हैं और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इन टूडेज स्कूल्स चिल्ड्रंस ऑफ द सेम एज गो टू स्कूल्स टूगेदर एंड दे कैन हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क। आज के स्कूल में एक ही उम्र के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं और होमवर्क में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। दे प्ले, इंजॉय, लाफ टूगेदर एंड लर्न हाउ टू अडेप्ट देमसेल्स टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड कोप विथ स्ट्रेंजर्स। वो एक साथ में खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, लाफ करते हैं, यहाँ पर टुगेदर है, और सीखते हैं कि कैसे नए सराउंडिंग के साथ में, नए माहौल में खुद को ढाला जाए और जो अजनबी हैं उनके साथ उनका सामना किया जाए। दे ऑल्सो लर्न क्वालिटीज लाइक ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, शेयरिंग, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन टूडेज स्कूल्स। और साथ ही साथ में वे कई प्रकार के मानवीय गुण जैसे कि सम्मान देना, दया करना, शेयर करना और साथ ही साथ बहुत सारे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज भी आज के स्कूल में सीखते हैं। Thus, all these factors prove that schools today are more fun than the school in the story. ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि आज के स्कूल में ज़्यादा फन है बनिस्पत की जो स्कूल इस स्टोरी में बताया गया है उसके कंपेरिजन में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।